हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपने न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कनाडा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीसी की लॉगिन पर जाना होगा। आपसे गूगल पर ये सर्च कीजिए और यहाँ पर साइन इन विद जीसी की ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको साइन अप पर जाना है क्योंकि आप न्यू हैं और आपको अकाउंट इस पर बनाना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को आपको आई एक्सेप्ट कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम अपना बनाना होगा। तो यूज़र नेम के अंदर आपकी ये कंडीशंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, जिसके अंदर मिनिमम आपके 8 करेक्टर्स होने चाहिए और इसके अंदर अपर लेटर्स होने चाहिए, लोअर लेटर्स, कोई भी फ्रेंच करेक्टर, डिजिट, स्पेशल करेक्टर्स। तो ये एक मैंने यूज़र नेम बनाया है और ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा गया है पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड के जो है आप 8 to 16 करेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं और उसके अंदर 3 कंसेक्यूटिव करेक्टर्स फ्रॉम यूज़र नेम, यूज़र नेम से 3 जो लेटर हैं वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। और इसके बाद लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, अपर केस लेटर्स और डिजिट्स, ये सब होने चाहिए। और इसके बाद ये पासवर्ड मैच होना चाहिए जो कंफर्म पासवर्ड में आप डालेंगे। तो मैं यहाँ एक पासवर्ड बना लेता हूँ, तो ये मैंने पासवर्ड बना दिया है। इस पेज को आप ध्यान से देख लीजिए कि जब भी आपका पासवर्ड आप भूल जाएंगे तो आपको रिकवरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उस बेसिस पर आप इसको अकाउंट को दोबारा लॉगिन कर पाएंगे इनके साथ भूल जाते हैं तब। तो यहाँ पर मैं एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ, व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। तो यहाँ पर मैं मैथ्स लिख देता हूँ, माई मेमोरेबल पर्सन, तो यहाँ पर मैं पर्सन का नेम डाल देता हूँ। इसके बाद ये हिंट पूछ रहा गया है आपसे, मेमोरेबल पर्सन की हिंट, तो यहाँ पर मैं हिंट के अंदर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मेमोरेबल डेट पूछी गई है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप अपने डेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरेबल डेट हिंट पूछा गया है तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये ओपन होता है, तो यहाँ से भी आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी आपको डालना होगा और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मेल आईडी डाल देता हूँ। तो ये मेल आईडी मैंने डाल दिया और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन कोड गया है जो मैंने मेल आईडी प्रोवाइड की है, उसको मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कोड आ गया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस अकाउंट के अंदर कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा मेल आईडी का ऑप्शन, ईमेल रिकवरी कंप्लीट, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या रिकवरी क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, तो मुझे इनमें से कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ये है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और इसको आई एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे अब जाके पूछा गया है कि आप किस नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आप जिस भी पर्सन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन आप इंग्लिश कीजिए और उसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इनमें से आपके कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1st to 4th में, और उनका आंसर जो आपने डाला है वही आपको एंटर करके लॉगिन करना होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर बना रहे हैं वो ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, मैंने डाल दिया यहाँ पर फुटबॉल। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं,
वट इज़ योर फेवरेट कलर, तो ये मैंने डाल दिया ब्लू। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो यहाँ मैंने डाल दिया शालीमार बाग। इसके बाद यहाँ पूछा गया है आपसे, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, मैंने 29 यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये फॉर्म इसलिए सबमिट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ये यूज़ कर दिए हैं, तो इसको रिमूव कर दीजिए, ये जो डॉट जो है ना आपने लगाए हैं इसको हटा दीजिए, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। आप देखिए कंटिन्यू करते हैं, अब ये दिखा रहा है द आंसर यू हैव इंपोर्टेड इज इनवैलिड, योर रिस्पॉन्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 करेक्टर्स। अब यहाँ पर जो मैंने रिस्पॉन्स दिया है उसके अंदर एटलीस्ट 3 करेक्टर्स होने चाहिए, तो ये मैंने कलर डाल दिया यहाँ पर 29 डाल देता हूँ। अब इसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा फाइनली अकाउंट बन गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर अप्लाई टू कम टू यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर विजिटर वीज़ा स्टडी एंड और वर्क परमिट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो विजिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा, तो यहाँ पर आपको टेम्परेरीली लेस देन 6 मंथ्स आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑफ योर पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछा गया है, तो यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। वट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी और ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर भी आपको इंडिया चूज़ कर देना है। डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड 18 ईयर ओल्डर, तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद वट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जिस भी एप्लीकेंट का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये इनका सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है। तो यहाँ पर हम इसको जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे और उनका आंसर देना है। हैव यू लिव्ड इन कैनेडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेशन, तो क्या आप पहले कभी कैनेडा में रहे हैं परमानेंट एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर लैंडेड इमिग्रेंट, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस की सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यूएसएससीएस नंबर, तो यहाँ पूछा गया कि आप क्या आप एक परमानेंट रेजिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के और आपके पास वैलिड यूएस सिटीजनशिप का आपके पास है, तो ये आपको नो कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका मैरिटल स्टेटस, तो अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बता दीजिए। और वट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस, सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द योर टाइम, तो यहाँ पूछा गया कि आप किस डेस्टिनेशन पर जाएंगे कनाडा के अंदर, अगर आप मल्टीपल प्रोविंस में जा रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पर हम ओंटारियो जा रहे हैं तो ओंटारियो मैंने सेलेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ, यहाँ पर बोल रहा गया है कि आप जो है एलिजिबल हैं जो विजिटर वीज़ा 6 मंथ्स है, तो यहाँ पर इसकी फ़ीस मेंशन है कि जो विजिटर वीज़ा की कॉस्ट है वो 100 कैनेडियन डॉलर है और इस ये परमिट्स करता है ट्रैवल टू कनाडा, आप ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा बाय एयर कार बस ट्रेन और बोट एंड इट इज़ वैलिड अप टू 10 इयर्स, तो और ये वैलिड रहेगा 10 सालों तक और प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, और ये डिपेंड करता है कि करंटली कितनी सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस में है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक ये पर्सनल चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें इस कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनके जवाब आपको देने होते हैं, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास कोई यूएस का वैलिड वीज़ा है या फिर आप पिछले 10 सालों में वहाँ पर यूएस में ट्रैवल किया है,
और इसमें वो फैमिली मेंबर भी इंक्लूड करते हैं जो आपके साथ इस बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आपके पास जॉब है जिस देश में आप रह रहे हैं, तो यस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर पूछा गया है क्या आपके पास बिजनेस है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए। क्या आप किसी पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट पर, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद पूछा गया हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, क्या आप प्रीवियस किसी कंट्री में ट्रैवल किया है आपने, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आर यू एकम्पनिंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज़ स्टेटस इन कैनेडा और हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव टू कम टू कैनेडा, तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं जिनका रिसेंटली वीज़ा लगा है, तो यहाँ पर यस कर देता हूँ क्योंकि इनके केस में ऐसा है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर चार्ज, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप पहले कभी अरेस्ट हुए हैं कहीं पर, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है किसी कंट्री में, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और इसी तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका, यहाँ पर पूछा गया हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन ICSC ऑथराइज्ड पर्सनल फिजिकल डॉक्टर विद इन एट लास्ट ऑफ 12 मंथ्स, कि आपका कोई आपका मेडिकल चेकअप हुआ है किसी ICSC ऑथराइज पैनल में, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा गया है कि आप सबमिट करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए, तो यहाँ पर हम यस कर लेते हैं और नेक्स्ट पर कर देते हैं क्योंकि ये जो कस्टमर है इनके साथ इनकी बेटी भी ट्रैवल कर रही है। और फिर नेक्स्ट पूछा गया है इफ़ यू आर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन फैमिली मेम्बर प्लीज़ स्टार्ट विद योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ़ इट अप्लाइज, तो यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने स्पाउस को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो किस देश में रहता है, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है। और विच कंट्री इशूड योर फैमिली मेम्बर्स पासपोर्ट, तो यहाँ पर पूछा गया है किस कंट्री से आपके फैमिली मेम्बर का पासपोर्ट इशू है, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इज़ योर फैमिली मेम्बर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट हु हैज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड और अदर प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, यहाँ पर पूछा गया है क्या आपका फैमिली मेम्बर परमानेंट रेजिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का या उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। व्हाट इज़ योर फैमिली मेम्बर्स करेंट मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो साथ में इनकी बच्ची ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर हम नेवर मैरिड सिंगल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ योर फैमिली मेम्बर्स डेट ऑफ बर्थ, आपके फैमिली मेम्बर की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, यहाँ पर ईयर मंथ और डे। उसके बाद वेयर विल यू और फैमिली मेम्बर बी स्टेइंग इन कनाडा, तो कनाडा में वो कहाँ पर स्टे करेंगे, तो यहाँ पर हम ओंटारियो डाल देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद पूछा गया है इज़ योर फैमिली मेम्बर करंटली और विल दे बी लिविंग इन कनाडा विद अ पेरेंट और लीगल गार्जियन फॉर देयर एंटायर स्टे, कि जो आपका फैमिली मेम्बर है वो क्या अपने लीगल पेरेंट्स के साथ रहेगा या फिर गार्जियन के साथ रहेगा, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा गया इज़ योर फैमिली मेम्बर ट्रैवलिंग विद अ पेरेंट हु डज नॉट हैव फुली लीगली कस्टडी टू ऑफ देम, यहाँ पर बोला गया है क्या आपका जो फैमिली मेम्बर है एक पेरेंट के साथ रह रहा है जिनके पास पूरी कस्टडी नहीं है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद व्हाई इज़ योर फैमिली मेम्बर विजिटिंग कनाडा, कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो क्यों कनाडा विजिट करना चाहता है, तो यहाँ पर लिख देना है विजिट टूरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो पेरेंट के लिए या ग्रैंड पेरेंट के लिए सुपर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद पूछा गया है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो नो सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है फैमिली मेम्बर का, तो यहाँ नो सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो इस प्रोसेस के लिए आपकी फ़ीस एप्लीकेबल है, तो आप फीस आपको पे करना होगा, यहाँ पर यस आई विल बी पेइंग इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी दूसरे फैमिली मेम्बर की भी आप एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अगर ऐसा है तो यस करके आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद इसमें आप अगर किसी दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं इस एप्लीकेशन का, तो आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद बोला गया है कि क्या आपने पहले कभी 10 सालों में फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर फीस एसोसिएटेड है, तो विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एग्जम्प्ट, तो यहाँ पर आप फी एग्जम्प्ट हैं या फिर आप अपनी फ़ीस पे करेंगे, तो यहाँ पर आपको यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप योग्य हैं अपने डिजिटल कॉपी बनाने में, स्कैन और कैमरा यूज़ करने में, तो आपको यस कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बताया गया है कि आपको जो फ़ीस है आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होगा, जिसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इन सब कार्ड को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो आप डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप फाइनली सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद ये पेज खुलता है जिसमें ये रिव्यू करने के लिए बोलता है कि आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप इसको देख लीजिए, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ये देख सकते हैं, पेंसिल का मार्क इधर से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट खुल जाती है, तो इसको आपको इस ऑर्डर में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये IMM 5257 आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और उसके बाद आपको पासपोर्ट, ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको फैमिली मेम्बर रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये सारे इस ऑर्डर में आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होगी, और बाद में आपको ये जो पेमेंट है, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है, तो $200 उनकी फ़ीस है, प्लस CA 85 उनकी जो बायोमेट्रिक फ़ीस है वो है, तो ये $285 बाद में आपको पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें फ़िल कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर देना है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होता है, पर ये डाउनलोड जब करेंगे तो ये फ़ाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कंप्लीट फ़िल करना है, तो ये मैं आपको फ़िल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो यहाँ पर UCI नंबर आपको मेंशन करना होता है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो इसको छोड़ देना है और सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको किस लैंग्वेज में सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विजिटर वीज़ा क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम आपको मेंशन करना है, जैसा कि आपके पासपोर्ट के अंदर है। तो यहाँ पर पहले फुल नेम के अंदर आपको यहाँ पर फैमिली नेम डालना है, और यहाँ पर गिवन नेम में आपको फर्स्ट नेम मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप पहले कभी दूसरा नेम आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने यूज़ किया है तो यस पर क्लिक करके उसका ना उसका फैमिली नेम और गिवन नेम आपको मेंशन कर रहा होगा। थर्ड कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर अपना जेंडर मेंशन करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी होगी, इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कंट्री और टेरिटरी में आप इंडिया चूज़ कीजिए, सिटीजनशिप इंडिया, और फिर इसके बाद करंट कंट्री इंडिया, स्टेटस में आपको सिटीज़न चूज़ करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या प्रीवियस कंट्रीज़ में आपका कोई रेजिडेंस है लास्ट 5 ईयर्स में, तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट करना है, अगर ऐसा है तो यस सेलेक्ट करना होगा अगर आपका कोई एड्रेस है वहाँ पर।
नाइन्थ कॉलम के अंदर आपसे पूछा गया है कि कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, तो यहाँ पर हम इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं। नाइन्थ कॉलम के अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंट्री और टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेम कंट्री टेरिटरी से अप्लाई करें जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको मेंशन करना हुआ है, तो मैरिटल स्टेटस मैंने मैरिट सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद कॉलम नंबर सी में जो स्पाउस हैं उनका सरनेम और गिवन नेम यहाँ पर मेंशन करना होता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर पूछा गया है कि आप पहले भी शादी कर चुके हैं, तो यहाँ पर नो क्लिक कीजिए, अगर ऐसा है तो यस कीजिए और उसमें डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद आपकी लैंग्वेज पूछी गई है, तो मदर टंग में आप यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो डाल दीजिए, यहाँ पर मैं हिंदी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश और फ्रेंच में, तो यहाँ पर इंग्लिश डाल दीजिए। इसके बाद कॉलम नंबर डी के अंदर इसके बाद पूछा गया है कि क्या आपने कोई टेस्ट दिया है जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच जिसमें चेक की जा सके, तो यहाँ पर अगर ऐसा है, अगर आपने टेस्ट दिया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर पासपोर्ट नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद कंट्री मेंशन कीजिए, किस डेट को पासपोर्ट इशू हुआ है वो मेंशन कीजिए। इसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप मेंशन कर सकते हैं। जो मेंशन करने का तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ईयर मंथ डेट इस फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा। इसके बाद फिफ्थ कॉलम को आप यहाँ पर नो क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ कॉलम, इसमें फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ अ नेशनल इसराइल पासपोर्ट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप इस ट्रिप के लिए क्या नेशनल इसराइल पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो नो क्लिक कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आधार कार्ड डाल दीजिए। उसके बाद इंडिया चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इशू एक्सपायरी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद आपका USPR कार्ड अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट कॉलम के अंदर अगर आप किसी रिलेटिव के वहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं तो उनका नाम, रिलेशनशिप और उनका एड्रेस मेंशन करना है। अगर आप किसी रिलेटिव के पास नहीं विज़िट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनी गुड होटल, यहाँ पर एनी गुड होटल मैं मेंशन कर देता हूँ, और एड्रेस के अंदर यहाँ पर मेंशन कर देना है ओंटारियो जहाँ पर आप स्टे करने जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको एजुकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। इधर लिखा हुआ है कि आपने अगर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो। यस करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होगी, तो आपको यहाँ पर किस ईयर में आपने स्टार्ट किया था, किस मंथ में स्टार्ट किया था और किस ईयर और मंथ में आपने क्लियर कर लिया था, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, किस कंट्री में आपने काम किया है और किस ईयर से किस महीने तक आपने काम किया है, वो सारी डिटेल्स इस कॉलम के अंदर आपको प्रोवाइड करानी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं पूरी डिटेल्स। तो तीन कंपनी के आप, अगर तीन कंपनी में आपने काम किया है तो तीनों कंपनी का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये जो पूछे गए हैं, यू मस्ट कम्प्लीट दिस सेक्शन इफ़ यू आर 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा ओल्ड है तो आपको एक कॉलम फिल करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है विद इन द पास्ट 2 ईयर्स हैव यू और फैमिली मेम्बर एवर हैड ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस, कि आप कभी टीबी हुआ है या फिर आपके किसी क्लोज मेंबर को, तो यहाँ पर नो क्लिक कर देना है। और सेकंड कॉलम के अंदर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई मेंटल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ नो क्लिक करना है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको यस या नो पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मेनली डिजीज़ का है और कि सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आपके पास कोई आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है किसी कंट्री के अंदर, तो मैं सभी को नो कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये कंसेंट देना है CIC को, यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है और आपको डेट मेंशन करनी है किस डेट पर आप ये फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, तो आज की डेट हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है और ये सिग्नेचर का कॉलम आपको छोड़ देना है।
इसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और बार कोड्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। वो जब मैं कंप्लीट करूँगा तो आपको मैं दिखाता हूँ बार कोड्स।